गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम साइमा शाहिद है और मैं आज सी डी एम चर्च की मेम्बर हूँ। आज हम लोगों को पीडीएफ के ज़रिए से औरतों के हकूक के बारे में जानने का मौका मिला और मुझे इंतहाई खुशी है कि हमें बहुत सी ऐसी बातों का पता चला कि जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। स्पेशली मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैं सिर्फ इसी चीज़ को जो है वो तशद्दुद समझती थी कि औरतों पे बेजा ज़ुल्म सितम किया जाए, उनको हाथ से मारा जाए, उन पर तेज़ाब फेंका जाए। और बहुत से हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि चूल्हे के ज़रिए से है जो औरतें जल जाती हैं, हालांकि चूल्हा जो है वो औरतों के आम इस्तेमाल की चीज़ है। औरतें इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना जानती हैं, वो महज एक हादसा नहीं होता बल्कि उसको हादसा बना दिया जाता है। लेकिन हमारी नज़र में सिर्फ यही जो थे इन्हीं को हम हादसा समझते थे। मैंने जो आज एक ख़ास चीज़ सीखी वो ये कि जब हमें नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर किया जाता है तो वो भी एक तशद्दुद है। आमतौर पे औरतें इसको तशद्दुद नहीं समझती, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हम नफ्सियाती तौर पर बहुत टॉर्चर होते हैं, जो कि हमें ज़हनी तौर पे तो डिस्टर्ब करता है, हमारी फ़िज़िकल जो होती है वर्क होता है उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जब हम मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते, मेंटली टॉर्चर होते हैं, तो आपकी जो सेहत है या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और ये एक तशद्दुद है, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने आज यहाँ से सीखा है और मैं आज जाकर ये बात बाहर दूसरे लोगों को बताऊँगी। और मैं चाहूँगी कि पीडीएफ वाले आप हमारी कम्युनिटी में आएँ और वो आपके बाकी औरतों को जो कि ये इन बातों से अवेयरनेस नहीं रखती उनको आप ये सारी इंफॉर्मेशन दें, ताकि औरतें अपने हकूक को जानें और अपने हकूक को इस्तेमाल करते हुए अपने घरानों में बाइज्जत ज़िंदगी बसर करें। हम कर सकते हैं।